हेलो फ्रेंड्स, आज हम मिलने वाले नारी संगठन के प्रेसिडेंट सुंदरी ठाकुर से बात करेंगे, जो कि वो बात करेंगे उनके एनजीओ के बारे में। वो एनजीओ कैसे चलाती है, उनका एनजीओ किस तरह काम करता है, वो हम उनके खुद से ही जान लेते हैं। ठीक है, तो फिर आइए बात करते हैं सुंदरी ठाकुर से। हेलो मैम, आप बताइए, आपका एनजीओ जो है, जो कि नारी संगठन को सपोर्ट करता है, ठीक है, तो आप किस तरह के काम करते हैं, आपका एनजीओ किस तरह काम करता है? मेरा नाम सुंदरी ठाकुर है। मेरे दो एनजीओ है एक्चुअली। पहला तो जो बहुत फेमस है, नारी सम्मान संगठन। दूसरा है फाउंडेशन है, वुमेन रिस्पेक्ट फाउंडेशन। क्योंकि हम ऑल ओवर द वर्ल्ड में काम कर सकते हैं हमारे एनजीओ पे, और हम हर वर्क में काम करते हैं। ऐसा नहीं कि हम महिलाओं को ही लेकर काम करते हैं। नाम जरूर है महिलाओं का, महिलाओं का रिस्पेक्ट करना, हम खुद महिलाएं तो हमारा तो बहुत ज्यादा बनता ही है कि किसी भी महिला का, वो सीनियर सिटीजन हो, वो यंग हो, व्हाटएवर, कोई भी हो, हम चाहेंगे किसी का भी अपमान ना होना चाहिए। पर हम दूसरा वो भी रखते हैं पहलू कि हम उसमें मेंस को भी उतना ही रिस्पेक्ट देते हैं जितना हम महिलाओं को, जो मेंस इस रिस्पेक्ट के लायक है उसको हम उतना ही रिस्पेक्ट देते हैं। उसकी भी वही वैल्यू है, वो भी किसी के बेटे हैं, भाई हैं, बच्चे हैं, अगर वो अच्छे हैं तो क्यों नहीं रिस्पेक्ट किया जाए। जो गलत है, या वो महिला हो या पुरुष हो, उसमें मैं किसी का भी सपोर्ट नहीं करती। और हमारा एनजीओ बहुत, शायद आपने सुना भी होगा, बहुत जाना माना एनजीओ है। मुंबई पुलिस, सोचो पुलिस जिस एनजीओ का इतना रिस्पेक्ट करती हो और सपोर्ट करती हो, तो सोचो हम किस लेवल से काम करते हैं। हमारे बहुत दायरे हैं, हम बहुत रिस्ट्रिक्शंस के साथ काम करते हैं। अगर जो चीज़ गलत है उसमें हम कभी ना तो किसी का साथ देंगे, ना ही उसे हम करने देंगे। ये हमारा उसूल है। मैम, अभी आप आगे मतलब कैसा प्लान करते हो, मतलब अभी आपके पास कौन सा केस आ गया, वो महिला हो या फिर जेंट्स हो, तो फिर अभी आप, हम लोगों ने बहुत सुना भी है कि आप महिलाओं को बहुत सपोर्ट करती है और उनके दायरे में बहुत आप ये करते हो, मतलब फैसला लेते हो, तो जेंट्स के बारे में कैसे हो, कैसे फैसला लेते हैं आप? देखो, ये आज की डेट का लेटर है, ये जेंट्स का लेटर है, लड़के का लेटर है। okay. ऐसा नहीं कि मैं महिला को ही सपोर्ट, मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही कहा, मैं महिलाओं के प्रति बहुत ज्यादा, मतलब मुझे टचिंग है और मुझे रिस्पेक्ट प्यारी है, क्योंकि मैं भी एक महिला हूँ। बट मुझे यंगस्टर लड़के हैं या सीनियर सिटीजन है, वॉट एवर जो भी है, मैं उनको भी उतना ही रिस्पेक्ट देती हूँ जितना कि वो उसको, उनके उसमें आता है दायरे में कि उनको वो रिस्पेक्ट देना है, बिल्कुल मैं उतना ही रिस्पेक्ट महिलाओं की तरह उनका करती हूँ। तो ये जेंट्स का है, और आपके शायद आने से पहले आधा घंटे पहले ही मैंने लिया है। और मुंबई पुलिस क्या, ये हमारे कानून में प्रावधान में है कि लड़कों की नहीं सुनी जाती है, पुलिस की भी मजबूरी होती है, वो चाहकर भी उनको सपोर्ट नहीं कर सकती क्योंकि कानून ये कहता है। बट मैं मुंबई पुलिस को सैल्यूट करूंगी इस चीज के लिए कि मुंबई पुलिस में अगर मेरा लेटर जाता है लड़कों के हक में, तो वो जरूर उसको एक्सेप्ट करते हैं, कि उसको जरूर एक्सेप्ट करते हैं वो, ठीक है। तो इसके लिए ये मेरे पास आते हैं, मैं उनको, आप इसमें उसकी वाइफ को बुलाऊंगी, वो देखे गए हैं, जैसे कि मैं लड़की देखे जाती है तो मैं लड़कों को बुलाती हूँ, ऐसे ही मैं उनकी वाइफ को बुलाऊंगी और उनसे पूछूंगी वो क्या चाहती है। वो चाहता है उसको नहीं छोड़ना, तो मेरा भी बनता है, क्योंकि मैं बैठी इसलिए हूँ इस कुर्सी पे कि मैं इंसाफ कर सकूं और किसी का घर बसा सकूं। 99% मेरी कोशिश यही रहती है
कि कभी किसी का घर ना टूटे। घर टूटने में कितनी जिंदगियां बर्बाद होती हैं ये तो सभी जानते हैं, पर कुछ लड़के कुछ लड़कियां एक्साइटेड होके आगे पीछे के फैसले नहीं ले पाते हैं। पेरेंट्स बोलते हैं तो उस समय वो दुश्मन लगते हैं, बट मैं यही अपील आजकल की जनरेशन से करना चाहूंगी कि ये माँ बाप जो कहते हैं ना, जिन्होंने आपको 20 साल 25 साल करके बड़ा किया है, वो आपका कभी बुरा नहीं चाहेंगे, वो लड़की हो या लड़का हो। कभी उनकी बात मान के देख लो, जिंदगी में कभी धोखा नहीं खाओगे। मगर आजकल के बच्चे ये कहते हैं आप नहीं जानते, आपको नहीं पता आज का क्या टाइम है। तो वो टाइम ये टाइम लाता है कि 6 महीने 8 महीने के बाद ऐसा टाइम हो जाता है कि एक एक की शक्ल देखना पसंद नहीं करते। उस जमाने में लोगों ने 70-70 साल मरने के बाद ही लोगों ने उनकी आवाजें सुनी होगी। जो भी महिला शादी होके आती थी 10-10 लोग घर में खाना बनाते थे। आजकल तो बाद में लड़कियां आती है, सर्वेंट पहले मिलते हैं घर में। हम वो बुरा नहीं कह रहे क्योंकि हम नहीं काम करते हैं ना, हम भी तो काम नहीं करते हैं ना, हम तो काम नहीं करते, तो हम एक्सेप्ट भी नहीं कर, हम वो भी नहीं चाहते कि हमारी बहू आए कि वो कटका झाड़ू है, ठीक है। बट फिर भी थोड़ा सा उनके अंदर ये होना चाहिए कि हमें सब फैसिलिटीज है, सब चीज है, तो हमें अपने आप से अगर एक ग्लास पानी दे दिया तो वो खुश होकर उसको ब्लेसिंग ही मिलने वाली है। बट आजकल की जनरेशन के अंदर वो चीज रही नहीं, तो इस बात का भी थोड़ा अफसोस है। और ये मैं कहना चाहती हूँ कि शायद ये सुन के कहीं ना कहीं अगर मेरे कहने से अगर 10 लोग भी इस चीज को फॉलो करेंगे तो मैं सोचूंगी मेरा इंटरव्यू सक्सेस हो गया। मैम आपका जो एनजीओ है जो सीनियर सिटीजन और बच्चों के लिए, खासियत करके बच्चों के लिए, ऐसे क्या करता है मतलब किस तरह काम करता है? मैंने आपको कहा मैं ऑलराउंडर हूँ, आप समझ लीजिए ऑलराउंडर। सीनियर सिटीजन का हो, उसके बच्चे परेशान कर रहे हो, पड़ोसी, व्हाटएवर, पूरी मदद करती हूँ। प्रोस्टिट्यूशन की लड़कियां, मैं आज से 2009 में इंटरनेशनल न्यूज थी वो, 2009 में मैंने उसको निकाला, उसको बिहार भेजा। 2013 में भी 3 होटल टूटे थे थाना में, वो भी मैंने ही किया था वो केस, उसको भी मैंने ही भेजा, वो भी बांग्लादेश की थी। अभी ये 2016 में, अभी जो जिस दिन 2016 में और 17 में ये जो पाकिस्तान पे अटैक हुआ था, अभी मोदी जी ने किया था, उस रात को जो इंटरनेशनल न्यूज जो मदर को बेटा मार रहा है, वो भी मेरी न्यूज है। मेरे पास अगर जो आ गया, मैं सच कहती हूँ, क्योंकि मुझे हमारी मुंबई पुलिस का बहुत सपोर्ट है, उनको पता है मैं गलत नहीं करती, इसलिए अगर मैं रात के 2 बजे भी फोन करूंगी ना, कोई भी ऐसा पुलिस स्टेशन नहीं होगा जो उस चीज को इग्नोर कर जाएगा। और ना ही मैं कभी मुंबई में 92 पुलिस स्टेशन है, हार्डली 92 पुलिस स्टेशन में मैं कभी हार्डली 8 से 10 पुलिस स्टेशन में गई, बाकी मेरा 99% फोन पे ही वो लोग सुन के करते हैं। बहुत, क्योंकि उनको पता है ना कि मैं किस लेवल से, और मेरा कोई मोटिव नहीं होता। अगर मैं रात को 2 बजे निकलूंगी आपके लिए, तो मेरा मोटिव क्या है निकलने का घर से, मैं आपके लिए निकली हूँ। एक केस में 2013 वाला, 2012 वाले केस में 10 साल की सजा मैंने कराई है, 10 साल की। जो 2013 वाला है उसमें उसको 3 लाख गवर्नमेंट से दिलाया वो लड़की को, उसमें थाना पुलिस का बहुत बड़ा सपोर्ट था, ऑफिसर इज अ वेरी गुड एक्सीलेंट ऑफिसर, उसकी वजह से 3 लाख उस लड़की को, वो मुझे यहाँ मिलने आए थे थाना से। तो अभी तक तो ये कर रही हूँ, आगे भी यही, और आज की जनरेशन से भी यही कहना चाहूंगी कि प्लीज, और पेरेंट्सों से भी कहना चाहूंगी, पेरेंट्स की भी बहुत बड़ी गलती है क्योंकि बच्चों को छोड़ देते हैं, एक बार लड़कों को छोड़ देते हैं तो थोड़ा अच्छा नहीं है, बट फिर भी वो बदनाम नहीं होते, लेकिन अगर लड़की को थोड़ा भी दाग लगता है तो जिंदगी के लिए वो बेकार हो जाता है। तो पेरेंट्स ये छोड़ देते हैं 15 साल 16 साल 18 साल की लड़की हरियाणा से, बिहार।